नमस्कार। कल शाम में बहुत ज़्यादा थकने की वजह से हम व्लॉग नहीं बना पाए। कल रात का जो सेलिब्रेशन था वो तगड़ा सेलिब्रेशन हुआ। 12-1 बजे तक हम जग रहे थे और उस वजह से वीडियोस ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। आपने देखा होगा या आपको मैं दिखा दूँगा इस वीडियो में। यार मैं रिद्धि के फ्रेंड्स से पूछना चाहूँगा, ये आलसी जानवर पहले भी ऐसा ही था या शादी के बाद हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी रिद्धि की फ्रेंड्स मेरे वीडियोस देखती है वो सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत आलसी है। अब सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हमें निकलना है घूमने के लिए, लेकिन निकलना 9 बजे है और ये बहन अभी भी तैयार नहीं है। मतलब ना ही है ना कुछ है, बस फैली हुई है इस झूले पर। पता नहीं ये झूला भी कब तक इसका वेट संभालने वाला है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आपको बीच भी दिखाता हूँ और आगे के सीन्स भी दिखाता हूँ। तो हम हो चुके हैं रेडी और निकलने के लिए तैयार। सुबह के बज रहे 10:15 और लोकेशंस जो है वो मेरा दोस्त जो यहाँ का लोकल है चैतन्य वो बताने वाला है। और हम घूमने बाइक पे जाने वाले हैं। रेंट से हमने कुछ बाइक्स ली हुई है जिसका रेंट 450 होने वाला है। और 1 लीटर कुटे भूषण को डॉल्फिन दिखी और आपको हम डॉल्फिन दिखाते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। खाली आ रही खाली कैच जाली खेलता है भाई दे खेलता है भाई दे दे दिसली आता था क्लियर दिसली। पिछले साल हम जब यहाँ आए थे डॉल्फिन देखने के लिए 12 किलोमीटर अंदर गए थे लाइट हाउस की तरफ, लेकिन यहाँ से हमें नज़ारा दिख रहा है डॉल्फिन का। तो ये कुछ समंदर देवबाग का किनारा, सही जगह है यार। अगर आपको सही में एंजॉय करना है और फैमिली के साथ में एंजॉय करना है और ऐसा बीच आपको चाहिए जो खाली हो, लोगों से भरा ना हो, तो यहाँ आओ, ये एक नंबर है। सुपर जगह है यार।
भाई अगर मालवन आ रहे हो और खाने का बेस्ट एक्सपीरियंस करना हो तो बाम्बू आओ। क्या मतलब भाई, दूसरे अंदर जो कर दो। पिछली बार भी आए थे तभी यहाँ पे खाना खाया था और आज भी यहीं पे। जाके सोलगढ़ी जरूर पीना क्योंकि वो बेस्ट है। नहीं मैं नहीं लेता, इस वजह से मैंने क्यों दे रहे हो? अरे बट तुमने तो ली ना, मैंने तो चिकन लिया भाई और फ्राइड। मीठा खिलाया नहीं कुछ भी। मीठा शाम को खिलाऊंगा। अब राइड पे जाना है, मिलते हैं राइड। अकेले अकेले जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ। सरप्राइज।